नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सभासद रवि रस्तोगी ने अभियान छेड़ रखा है। वे सुबह सुबह लोगों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं, खुद दरवाजा खटखटाकर खुलवाते हैं, इसके बाद डस्टबिन देते हैं। साथ ही लोगों को सलाह देते हैं कि वे कचरे को डस्टबिन में ही डालें। कचरा गाड़ी आने पर डस्टबिन का कचरा नगर पालिका के कर्मचारियों को सौंप दें। सभासद रवि रस्तोगी कभी कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे तो कभी सफाई अभियान चलाते नजर आते हैं। इसी कड़ी में सभासद रवि रस्तोगी ने लोगों का दरवाजा खटखटाया और कहा कि डस्टबिन में ही घर का कचरा डालें। सितारगंज को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के उद्देश्य से नगर में डस्टबिन का वितरण किया। सभासद ने यहाँ खुद घरों में ब्लू एवं ग्रीन डस्टबिन बांटा। डस्टबिन देते समय उन्होंने घर के सदस्यों से कहा कि गीले कचरे को ग्रीन डस्टबिन और सूखे कचरे को ब्लू डस्टबिन में जमा करना है। प्रत्येक दिन कर्मचारी डस्टबिन से कचरा लेकर जाएंगे। घर से ही स्वच्छता की शुरुआत होती है। जब हर घर स्वच्छ रहेगा तभी शहर भी स्वच्छ एवं स्वस्थ रहेगा। इस दौरान लगभग 303 घरों में डस्टबिन वितरित किए गए। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आज नगर में हमारे द्वारा नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा सभी लोगों को निशुल्क डस्टबिन वितरित कराए। हमने इस सभी लोगों से ये भी अपील करी कि कूड़ा जो है डस्टबिन में डालें और घरों के बाहर रखें, जिससे कि नगर पालिका कर्मचारी उन डस्टबिनों को उठाकर अपनी गाड़ियों पर ले जाएं और अपने आसपास साफ सफाई रखें। अगर हमारा घर स्वच्छ होगा तो नगर स्वच्छ होगा और हम सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। इसी के उद्देश्य को देखते हुए आज मेरे द्वारा जो है वार्ड में डस्टबिन निशुल्क उपलब्ध कराए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।